नमस्कार दोस्तों, मैं सतेन तोमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और हम पढ़ रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रसार था कि कहाँ कहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अपनी छाप छोड़ी, उस चीज पर हम विचार कर रहे थे। तो मैंने काफी सारी घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस किस जगह पर कौन कौन लीडर जो है नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसका और अध्ययन किया और उसमें मैंने कुछ और घटनाएं देखी, और उन घटनाओं को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर ऐसी भी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं का उल्लेख प्रत्येक किताब में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम इन घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या देख रहे थे हम प्रसार? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो हम प्रसार देख रहे थे, इस प्रसार के अंतर्गत ही असम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा असम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कनिंघम सर्कुलर लाया गया था। कनिंघम सर्कुलर जो है वो लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहां पर? असम में। अच्छा, ये जो कनिंगम सर्कुलर लाया गया था, इस कनिंगम सर्कुलर के माध्यम से जो असम के छात्र थे और जो छात्रों के अभिभावक जो थे, या अगर हम बात करें तो जो छात्र थे और उनके जो अभिभावक थे, उन सभी को एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार को उपलब्ध करवाना होता था, जिसमें उनके चरित्र के बारे में यानी सारी की सारी जो चीजें होती थी वो बताई जाती थी। अब वहां पर यानी चरित्र प्रमाण पत्र में अगर ये पाया गया कि ये जो अभिभावक है या ये जो छात्र है ये किसी आंदोलन में संलिप्त था, किसी क्रांतिकारी घटना में संलिप्त था, तो फिर क्या किया जाता था उसे, यानी एक तरीके से कॉलेज स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो कनिंगम सर्कुलर के माध्यम से यानी जो चरित्र प्रमाण पत्र वाली ये जो कंडीशन थी वो लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और जिसकी वजह से यानी वो चाहते थे कि असम में जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, वो इस आंदोलन से क्या रहें, दूर रहें, जिसकी वजह से जो कनिंगम सर्कुलर था वो कनिंगम सर्कुलर लाया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस कनिंगम सर्कुलर का छात्रों के द्वारा भरपूर जोर से विरोध किया जाएगा असम में। कहाँ की घटना है? असम में। तो ध्यान रखिएगा, कनिंगम सर्कुलर जो है वो ध्यान रखिएगा असम में लाया गया था। किस लिए लाया गया था वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो नागालैंड और मणिपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में अगर हम ये देखें तो एक महिला है जिनका नाम है रानी गेंडल्ली जो है ये नागालैंड और मणिपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्हीं के जो चचेरे भाई थे, यानी जो रानी गेंडल्ली है, रानी गेंडल्ली के जो चचेरे भाई थे, उनके द्वारा नागालैंड और मणिपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया जा रहा था। उस आंदोलन का नाम था हेरा का आंदोलन। और हेरा का आंदोलन की एक प्रमुख जो सदस्य थी वो थी रानी गेंडल्ली। अब मामला होगा ये कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने इनका जो चचेरा भाई था उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा रानी गेंडल्ली के जो घर वाले थे उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ये तो छोड़िए, उसमें कई लोगों को फांसी भी दे दी गई थी। तो यहां पर जो गेंडल्ली है, इस गेंडल्ली के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो पूर्ण आजादी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन का समर्थन किया जाएगा और नागालैंड और मणिपुर में लोगों को प्रेरित किया जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ समय पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा गेंडल्यू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी कब हुई है? तो इनकी गिरफ्तारी होगी 1932 में, और 1932 में इनको गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी। उम्र कैद की सजा इनको सुनाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि 1937 में
जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका दौरा हुआ असम का, तो ये जिस जेल में बंद थी उस जेल का नाम था सिलांग जेल। कौन सी जेल थी? सिलांग जेल थी। और सिलांग जेल में जब ये बंद थी तो असम का दौरा हुआ जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू सिलांग जेल में गेंडल्यू से भी मिले। और जब ये गेंडल्यू से मिले तो गेंडल्यू को इन्होंने रानी की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो गेंडल्यू है इसको रानी की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और इसके अलावा रानी गेंडल्यू को पहाड़ों की बेटी कहा, पहाड़ों की बेटी भी इन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहाड़ों की बेटी और रानी की उपाधि जो है वो दोनों उपाधियां दी गई हैं रानी गेंडल्यू को, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये उपाधियां कब दी गई? 1937 में, जब वो दौरे पर थे, किधर? असम के दौरे पर थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पूर्वोत्तर भारत है वो पूर्वोत्तर भारत भी इस आंदोलन में जुड़ गया है, और एक तरीके से अगर हम ये कहें कि पूरे के पूरे भारत में ये आंदोलन जो है वो तीव्र गति से चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस आंदोलन की प्रमुख और भी कई सारी घटनाएं थी, जैसे बच्चों के द्वारा प्रभात केरियां जो हैं वो निकाली गई, प्रभात केरियां की गई, ठीक है। प्रभात केरियों के अलावा बच्चों के द्वारा जादुई लालटेन, जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया, ठीक है। जो मेल बच्चे थे उनके द्वारा एक सेना बनाई गई, बानर सेना। और बानर सेना के माध्यम से ये क्या करते थे? रैलियां निकालते थे, लोगों को जाके बताते थे कि गांधी जी के द्वारा भारत की आजादी के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में समर्थन दीजिए। जो फीमेल बच्चे थे उनके द्वारा क्या किया जाएगा? उनके द्वारा एक सेना बनाई जाएगी, उस सेना का नाम था मंजरी सेना। और मंजरी सेना और बानर सेना का एक ही काम था कि रैलियां निकालना, गांधी जी का जो आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करने का जो काम था वो इसी आंदोलन के दौरान किया गया है। तो ऐसे पूछ लेता है कि बच्चों की जो बानर सेना और मंजरी सेना बनाई गई थी किस आंदोलन के दौरान बनाई गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। प्रभात केरियां और जादुई लालटेन का प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि चीजें जो हैं वो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझ लग जाओ सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं जो है मामला बिगड़ जाएगा। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि कम से कम अगर चीज कोई भी घटना अगर घटित हुई है तो आपके कानों से अगर एक बार सुनी हुई है तो वहां पर जब भी वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कम से कम उसके सही होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहेगी। पता चला कि आप थोड़ा सा पढ़ के गए और उसमें से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आते हैं। एग्जाम में आपको ध्यान रखना होता है कि आप मैक्सिमम चीजें पढ़ के जाएं, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो विकल्प रहते हैं, याद आ जाता है देख के। तो पहले चीजों को पढ़ें तो सही, कम से कम जब तक आप चीजों को पढ़ेंगे नहीं तब तक सारी की सारी चीजें क्लियर नहीं हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आंदोलन था तो इस आंदोलन में जो प्रदर्शन किया जा रहा था इस प्रदर्शन का प्रभाव क्या हुआ, इस प्रदर्शन का प्रभाव क्या हुआ। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि जो विदेशी वस्तुएं थी और जो विदेशी कपड़े थे इनका आयात जो है वो बहुत ही कम हो गया, लगभग 50% रह गया। यानी भारत में जो कपड़ा आ रहा था ब्रिटेन से, जो अन्य विदेशी वस्तुएं आ रही थी उनका जो आयात किया जा रहा था, अब लोग क्या कर रहे हैं? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार करेंगे तो क्या होगा? उनको खरीदेंगे नहीं, तो डिमांड ही नहीं है। डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा? आयात जो है, इम्पोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, 50% तक पहुंच जाएगा, जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत तगड़ा आर्थिक नुकसान होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो सरकार को जो शराब से फायदा हो रहा था, शराब के अलावा जो अफीम से फायदा हो रहा था, अफीम के अलावा अगर हम बात करें जो उनको उत्पाद शुल्क मिल रहा था, उत्पाद शुल्क, इसके अलावा जो भू राजस्व उनको मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। और जब ये मिलना बंद हुआ तो जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को यानी एक तरीके से क्या हो रहा है? आर्थिक नुकसान हो रहा है। भाई ये कम हो गया, बहुत कम हो गया, लोग देना ही नहीं चाहते हैं टैक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस आंदोलन के माध्यम से जो व्यवस्थापिका सभा थी, व्यवस्थापिका सभा,
तो व्यवस्थापिका सभा के जो चुनाव होने वाले थे उन चुनावों का बहिष्कार किया गया है। तो ये आंदोलन का ही तो प्रभाव है। आंदोलन के प्रभाव के कारण लोगों ने ये कह दिया कि ठीक है, हम जो है वो व्यवस्थापिका सभाओं के चुनावों में भाग ही नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये प्रदर्शन का प्रभाव है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जन आंदोलन की व्यापकता, जन आंदोलन की व्यापकता कहां तक रही, यानी कौन कौन सा ऐसा वर्ग था जो इस आंदोलन से जुड़ा। तो इस आंदोलन में एक तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं का क्या काम रहता था इस आंदोलन के दौरान, तो महिला जो है वो शराब की दुकान, अफीम की दुकान, ताड़ी की दुकान, जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें होती थी उनके सामने बैठकर शांतिपूर्ण रूप से धरना देती थी महिलाएं। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मुस्लिम वर्ग है, उस मुस्लिम वर्ग की नगण्य भागीदारी रही, न के बराबर भागीदारी रही, क्योंकि मुस्लिम वर्ग जो है उसको ब्रिटिश सरकार ने भड़काने का काम किया और ये कहा कि जो मुस्लिम वर्ग है वो इस आंदोलन से दूर रहे तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम उन इस वर्ग की एक भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी वजह से मुस्लिम वर्ग की इस आंदोलन में ना के बराबर भागीदारी रही। केवल और केवल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ऐसा था जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में इस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया, तो ना के बराबर भागीदारी थी। बाद बाकी का जो वर्ग था वो एक तरीके से अलग रहा। ठीक है, तो मुस्लिम वर्ग की भागीदारी ना के बराबर। इसके अलावा छोटे व्यापारी या फिर जो मजदूर थे, ठीक है, उन सभी की जो भागीदारी थी वो बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। क्यों? क्योंकि व्यापारियों के मुद्दे थे इसमें, मजदूरों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, तो जिसकी वजह से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इसके अलावा जनजातियां, भाई रानी गैंडल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी जनजाति समुदाय से ही तो है, जो नागालैंड मणिपुर में जो जनजाति समुदाय है तो उसी से तो संबंधित है, नागा जनजाति की थी रानी गैंडल्यू, तो जनजातियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मजदूर हैं, किसान हैं, किसानों के द्वारा भागीदारी की गई, क्योंकि किसानों से कहा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स नहीं देना है, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो चौकीदारी करे है वो नहीं देना है, तो किसान भी इस आंदोलन से जुड़े रहे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का जो हर वर्ग जो है वो लगभग लगभग इस आंदोलन से जुड़ा रहा। केवल और केवल मुस्लिम वर्ग की जो भागीदारी है वो थोड़ी सी कम दिखी थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चला था तो उस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन इस आंदोलन में थोड़ा सा मुस्लिम वर्ग जो है उसका कटाव दिखेगा। तो प्रदर्शन जो है, उस प्रदर्शन का प्रभाव क्या था, जन आंदोलन की व्यापकता मैंने आपको बता दी कि जन आंदोलन जो है वो यानी उससे कौन कौन सा वर्ग जो है जुड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अब हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या है और इसके अंतर्गत ही जो गोलमेज सम्मेलन है उस वो क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन। देखो गोलमेज सम्मेलन जो है, या फिर इसको हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, भारतीयों के लिए कानून का निर्माण करना, भारतीयों के लिए कानून का निर्माण करना जो है इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं कितने, तीन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी है, तीन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपका 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपका 1931 में और ये 1932 में। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमेशा वर्ष के अंत में होता है। कब? वर्ष के अंत में, यानी आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर के महीने जो है वो होते हैं हमेशा, चाहे ये हो चाहे ये अधिवेशन, सॉरी ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो हो, तो वर्ष के अंत में ही होते हैं।
दूसरा अगर हम बात करें, जैसे ध्यान रखना 30, 31 और 32 जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने बहिष्कार किया क्योंकि कांग्रेस जो है वो असहयोग आंदोलन, सॉरी जो सविनय आंदोलन है वो चला रही है, और आंदोलन के जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरे नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। और इसमें मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, उदारवादी हो, उदारवादियों के अलावा जो दलित वर्ग है उनके द्वारा इसमें भागीदारी की गई। दलित वर्ग की तरफ से इसमें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने भागीदारी की थी प्रथम वर्ग में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों के 3 वर्ग बनाए गए थे। कितने वर्ग बनाए गए थे? 3 वर्ग बनाए गए थे। उसमें एक तो ब्रिटेन के सारे के सारे दल पहले वर्ग में थे, दूसरा भारत में जो ब्रिटिश शासित प्रांत थे मतलब जहां पर ब्रिटेन का शासन था जिन प्रांतों में, वहां के सदस्य थे, और तीसरा अगर हम बात करें तो जो भारतीय रजवाड़े थे उन रजवाड़ों से जो लोग भेजे गए थे गोलमेज सम्मेलन में अपना पक्ष रखने के लिए, ये लोग थे। तो ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 दल हैं। ब्रिटेन में कितने दल हैं? 3 दल हैं। उन 3 दलों की बात करें तो एक तो है उदारवादी दल, कौन सा? उदारवादी दल। उदारवादी दल के अलावा दूसरा जो दल है वो है रूढ़वादी दल, और तीसरा जो है वो है श्रमिक दल। तो तीनों दलों के सदस्य जो है वो इस गोलमेज सम्मेलन में थे। ब्रिटिश शासित प्रांतों से लोग जो है भेजे गए थे, इसके अलावा भारतीय रजवाड़ों से जो है लोग भेजे गए थे, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में। ब्रिटेन के दल सारे के सारे, ब्रिटिश शासित प्रांतों से जो चुने हुए लोग थे, मनोनीत जो लोग थे, रजवाड़ों से जो मनोनीत लोग थे, इन सभी ने भागीदारी की है। लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया है। कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग समर्थन करेगी, मुस्लिम लीग भागीदारी करेगी। मुस्लिम लीग के अलावा अगर हम बात करें हिंदू महासभा भागीदारी करेगी। मैंने आपको बताया कि जो उदारवादी है वो भागीदारी करेंगे, दलित वर्ग जो है वो भी भागीदारी करेगा, तो इनके द्वारा भागीदारी की जाएगी। तो ये जो है गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे घटनाओं का सिक्वेंस है हम सिक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि गोलमेज सम्मेलन एक साथ पढ़ा दिए, पता चल रहा है कि भाई गोलमेज सम्मेलन जो है वो वहां पे क्या करता है, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उन बड़े बड़े एग्जाम्स में, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में घटनाएं दे देता है 4-5, और वहां पे पूछता है कि निम्नलिखित घटनाओं को आप सिक्वेंस में लगाइए। तो सिक्वेंस में तो आप तब लगा पाएंगे ना जब तक आपको घटनाओं का क्रम पता नहीं होगा, जब तक आपको पूरी तरीके से हर घटना के बारे में, क्योंकि हर घटना, एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, तो स्टोरी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, तब जाके आप जो है वो एक सीक्वेंस में उनको लगा सकते हो, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो गोलमेज सम्मेलन है उस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। जब बहिष्कार किया गया तो मामला जो है बिगड़ने लगा। अब यहाँ पे आगे चल के क्या होगा कि जो वायसराय है वो वायसराय यानी एक योजना के तहत वायसराय एक योजना बनाएगा। योजना किस चीज की बनाएगा? तो वायसराय इस चीज की योजना बना रहा है कि जब तक कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी नहीं करेगी तब तक ये गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हो सकते हैं, तब तक भारतीयों के लिए कोई भी कानून नहीं बन सकता है। तो इन लोगों को तैयार कैसे किया जाए? तो यहाँ पर एक अजीब प्रकार की घटना घटेगी, और वो घटना क्या है वो घटना समझिए पहले। तो दिन है 25 जनवरी 1931 का। कौन सा दिन है? 25 जनवरी 1931 का। मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे नेता जो थे वो जेल में थे, गांधी जी यरवदा जेल में थे, गांधी जी को 4 मई को गिरफ्तार किया गया था, तो तभी से गांधी जी जेल में हैं। 25 जनवरी 1931 को क्या होगा, गांधी जी और गांधी जी के साथ साथ जो अन्य कांग्रेसी नेता थे, गांधी जी के साथ साथ जो अन्य कांग्रेसी नेता थे उन सभी को जेल से रिहा कर दिया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
और वो भी बिना कारण के। अंग्रेजों से जब ये पूछा गया कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें रिहा किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कोई कारण नहीं है, हम आपको छोड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप जो है जेल में रहें। तो ये सीधी सी बात है कि अगर अंग्रेज कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वहां पर उनकी कोई ना कोई योजना रही होगी, बिल्कुल रही होगी। तो इनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वायसराय चाहता था कि जो कांग्रेस है वो कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करे, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करे, जिसकी वजह से वायसराय बात करना चाहता था गांधी जी से। तो जैसे इनको रिहा किया गया उसके बाद वायसराय जो है वो लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत करना चाहता है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। इनके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा और गांधी जी से कहा जाएगा कि कम से कम आप एक बार वायसराय से बात तो करके देखिए, हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अच्छी योजना बना रहे हैं, भारतीयों को कुछ देने वाले हैं। तो इन्होंने भरपूर जोर से प्रयास किया जिसकी वजह से गांधी जी जो है वो वायसराय से बात करने के लिए तैयार हो गए और लगभग 15 दिन बातचीत चली, 15 दिन बातचीत चली गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों में एक समझौता होगा, उस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाएगा। किस समझौते के नाम से जाना जाएगा, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गांधी इरविन समझौता, यानी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा पॉइंट गांधी इरविन समझौता। तो अब हम आते हैं गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता है कब हुआ, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। और इस समझौते में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और प्रत्येक पॉइंट की समीक्षा भी करेंगे कि ये पॉइंट क्यों रखा गया। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये कहा कि जो वायसराय है उस वायसराय ने कहा कि जितने भी हिंसात्मक अपराधी हैं, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त जितने भी राजनीतिक कैदी हैं इन सभी को हम रिहा कर देंगे। एग्रीमेंट में ये पॉइंट था। हिंसात्मक अपराधियों की बात कैसे, हिंसात्मक अपराधी उन अपराधियों को माना गया है जिन्होंने किसी न किसी का मर्डर किया। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हमें ऐसे लोगों को न छोड़ें। मेन मुद्दा था किसका, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का। तो वो विवाद, उस पर तो मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि गांधी जी जो है वो इस बात पर क्यों नहीं अड़ गए कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को रिहा कर दिया जाए। तो वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो काफी लंबा विवाद है, उसमें मैं कई सारी थ्योरी आपके सामने लेके आऊंगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त जितने भी राजनीतिक कैदी हैं हम सभी को रिहा कर देंगे, पहला पॉइंट। तो सारे के सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कहा गया कि जो अपहरण की संपत्ति है, अपहरण की संपत्ति की वापसी कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे लोगों की संपत्ति को जबरन कब्जा कर लिया था। तो इस समझौते में ये कहा गया कि जिन जिन लोगों की संपत्ति को जब्त किया गया है वो सारी की सारी संपत्ति जो है हम लोगों की संपत्ति वापस कर देंगे, ऐसा कह रहा है लॉर्ड इरविन। ठीक है, कौन कह रहा है, लॉर्ड इरविन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि विभिन्न प्रकार के जो जुर्माने वसूले जा रहे हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन जुर्मानों की जो अवैध वसूली है उस अवैध वसूली को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, ये कहा गया है लॉर्ड इरविन के द्वारा। इसके अलावा ये कहा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उनको पुनः नौकरी जो है वो दी जा सकती है, लेकिन अभी इस पर विचार किया जाएगा।
यहाँ पर ये कहा गया कि गांधी जी ने आंदोलन के दौरान ये कहा था कि हम जो है यानी जितने भी सरकारी लोग हैं सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी अपने पदों से त्याग पत्र दे दें तो इनकी तो नौकरी चली गई। पता चला कि आंदोलन के चक्कर में ये बेरोजगार हो गए। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जितने भी लोगों ने त्याग पत्र दिया है उस पर हम विचार करेंगे कि इनको नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कहा गया कि समुद्र तट की जो सीमा है उसके भीतर निश्चित मात्रा में जो है नमक बनाने की मंजूरी दी जाती है क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया था। अब भारतीयों को नमक जो है वो निश्चित मात्रा में बनाने की अनुमति दी गई है कि आप जो है यानी एक तरीके से खाने लायक नमक तो बना ही सकते हैं, व्यापार का मुद्दा अलग है। व्यापार करने लायक तो अभी अनुमति जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया कि जो मदिरा है इसके अलावा जो अफीम है इसके अलावा जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें हैं उन दुकानों के सामने विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने आप लोग जो है वो शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। शांतिपूर्ण धरना की अनुमति दी गई है। शांतिपूर्ण धरना भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है भाई। वर्तमान में भी अगर आप धरना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मदिरा हो अफीम हो विदेशी वस्तुओं की जितनी भी दुकानें हैं उनके सामने आप शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और ब्रिटिश सरकार जितने भी आपातकालीन जो अध्यादेश लेके आई थी आपातकालीन अध्यादेश उन सभी अध्यादेशों को वापस ले क्योंकि अध्यादेशों के माध्यम से जो सरकार है वो सरकार लोगों का शोषण करती थी। तरह तरह के अध्यादेश लाए जाते थे कि इस जगह पर लोगों को ये स्वतंत्रता न दी जाए, बहुत सारे अध्यादेश लाए जाते थे। अध्यादेशों के माध्यम से लोगों का शोषण किया जाता था जिसकी वजह से इसमें ये कहा गया कि जो है जितने भी अध्यादेश हैं उन सभी अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। तो इस समझौते में ये सारी की सारी जो चीजें थी वो यहाँ पर रखी गई और प्रमुख रूप से गांधी जो है वो संतुष्ट भी हुए क्योंकि इसमें काफी सारी जो चीजें थी वो काफी हद तक सही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वायसराय है इस वायसराय ने गांधी जी की दो मांगों को अस्वीकार कर दिया। यानी गांधी जी की दो मांगे ऐसी थी जिनको वायसराय के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वो कौन कौन सी मांगे हैं उन पे हम विचार कर लेते हैं। तो एक तो गांधी जी ने जब मांग रखी कि जो भगत सिंह हैं और एवं इनके जो साथी हैं उनको रिहा करने की जो बात है वो खारिज कर दी वायसराय ने। उसने कहा कि ये जो है राजनीतिक कैदी नहीं है, ये ऐसे कैदी हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है और हर अपराध के लिए कोई ना कोई सजा होती है। तो भगत सिंह एवं इनके जो साथी थे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु तो उनको ये कहा गया कि हम इनको रिहा नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये था कि गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि जो पुलिस के द्वारा जो ज्यादतियां की गई, ज्यादतियों का मतलब पुलिस के द्वारा जो अत्याचार किया गया उस अत्याचार की जांच करवाई जाए, लेकिन वायसराय इसके लिए भी तैयार नहीं था। उसने मना कर दिया कि हम जो है पुलिस ज्यादतियों की जांच नहीं करवाएंगे क्योंकि आंदोलन के दौरान इस प्रकार के निर्णय जो है वो हमें लेने पड़ते हैं और पुलिस के द्वारा कार्यवाही जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो दो मांगे थी, दो पॉइंट थे, ये दो पॉइंट यहाँ पर गांधी जी के स्वीकार कर दिए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं गांधी जी ने भगत सिंह की जो रिहाई है उसकी बात नहीं कही थी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था इस समझौते में भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई की बात रखी गई थी, लेकिन वहां पर लोग ये कहते हैं कि गांधी जी ने बात तो रखी लेकिन गांधी जी को एग्रीमेंट पर तब तक साइन नहीं करना था जब तक वायसराय इस बात को स्वीकार नहीं कर लेता। लेकिन गांधी जी ने फिर भी यानी कुछ समय पश्चात क्या किया, साइन कर दिए, एग्रीमेंट पर साइन हो गए। और जैसे साइन हुए तो ये वाला मुद्दा जो खारिज हो गया, ये वाला मुद्दा खारिज हो गया। तो आगे चल के 23 मार्च 1931 को इन तीनों को वहां से हो जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी की आलोचना की जाती है कि गांधी जो हैं वो भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से डर गए थे क्योंकि इतनी कम उम्र में भगत सिंह ने भारत में वो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी जिसकी वजह से गांधी जी ये मान रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी अब खतरे में आ सकती है। वो तो जिसकी वजह से यानी गांधी जी ने ये सोचा कि अगर इनको फांसी हो जाती है तो ये रहेगा ही नहीं, तो मेरी पॉपुलैरिटी को खतरा होगा ही नहीं। तो इन चीजों पे हम बाद में विचार करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। इसमें एक भी आरोप ऐसा नहीं है
जिसकी बुनियाद जो है वो सही हो। तो यहाँ पर वायसराय ने दो चीजों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन। भाई यहां पर गांधी जी ने ये बोल दिया कि हम जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट जो हुआ था वो इसी शर्त पे तो हुआ था कि हम जो है आंदोलन को स्थगित कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। तो यहां पर आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी के लिए गांधी जी के द्वारा बोल दिया गया। लेकिन यहां पर अगर हम ये देखें क्या आंदोलन सफल रहा अथवा असफल, तो देखो किसी भी आंदोलन की सफलता और असफलता का मामला जो है वो तात्कालिक रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए कि तुरंत क्या इसका लक्ष्य प्राप्त हो गया था। तो तुरंत देखें तो भाई पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, आजादी की बात की गई थी, तो क्या आजादी मिल गई? नहीं मिली। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार से समझौता करने कौन गया है? गांधी। गांधी जी ब्रिटिश सरकार से समझौता करने गए हैं। किसकी तरफ से? कांग्रेस की तरफ से। इसका मतलब अब कांग्रेस वो संस्था बन गई है जो ब्रिटिश सरकार के बराबरी पर आ गई है। आप समझ रहे हैं कि? यानी कांग्रेस का वजूद अब इतना हो गया है कि ब्रिटिश सरकार के पैरेलल आ गई है। अब धीमे धीमे उसका कद जो है वो बढ़ता जाएगा और इसको रिमूव करने का काम कर दिया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को आगे भगा दिया जाएगा यहां से। तो यहां पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस का जो वजूद है वो वजूद अब ब्रिटिश सरकार के बराबर हो चुका है। दूसरा, यहां अगर हम ये देखें कि क्या आंदोलन जो है आंदोलन वापस क्यों लिया गया, तो यहां पर संघर्ष विराम संघर्ष की जो गांधी जी की रणनीति है उस रणनीति के अकॉर्डिंग काम करते थे गांधी जी। गांधी जी का मानना यह था कि कोई भी आंदोलन जब चलाया जाए तो आंदोलन का जो समय है वो अल्प होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए लोगों में जोश रहता है, फिर जोश जो है वो धीमे धीमे ठंडा पड़ने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आंदोलन से जुड़ गए लेकिन बाद में उनके जो व्यक्तिगत काम आ गए तो आंदोलन से दूर हो गए, अपने व्यक्तिगत काम करने लगे। तो हर व्यक्ति के कुछ न कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं जिसकी वजह से वो आंदोलन से बहुत लंबे समय तक नहीं जुड़ सकता है। और जब हम आंदोलन कर रहे होते हैं तो हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर उस संघर्ष के माध्यम से हम ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाए और उस दबाव के माध्यम से गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौते के? गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पर यानी गांधी इरविन समझौता जो है वो क्या है? वो इस आंदोलन की सफलता ही तो है। और भाई ऐसा थोड़ी है कि आगे चल के जब भारत आजाद हुआ तो एक आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भाग गए। पहले छोटा आंदोलन, बड़ा आंदोलन, धीमे धीमे करके ही तो बड़े आंदोलन हुए। तो हर आंदोलन का कुछ ना कुछ महत्व, ऐसा थोड़ी है कि किसी भी यानी जो आंदोलन हुए हैं छोटे छोटे आंदोलन उनका महत्व नहीं, बिल्कुल महत्व है। हर आंदोलन का कुछ ना कुछ महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो अगर हम तात्कालिक अर्थों में देखें तो तात्कालिक अर्थों में भी यानी आंशिक रूप से सफल रहा है, लेकिन अगर दूरगामी दृष्टि देखें, दूरगामी प्रभाव जो है वो इसी प्रकार के छोटे छोटे जब आंदोलन मिलके बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे तो इसी से तो आजादी मिलेगी भाई। आजादी के लिए यही छोटे छोटे आंदोलन, और हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो यहाँ पर स्थगित कर दिया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब कांग्रेस जाएगी। तो अब यहाँ पर होगा ये कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं या फिर इसे दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। अब भाई दिल्ली समझौते पर एग्रीमेंट कर दिया गांधी जी ने। जब गांधी जी ने इस पर एग्रीमेंट किया तो यहां से होगा ये कि अब कांग्रेस इसे अनुमति देना चाहेगी, जिसकी वजह से मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया जाएगा। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। लेकिन कांग्रेस का कराची अधिवेशन और उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं क्लास को बहुत ज्यादा लंबी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कम समय में इतना कंटेंट दे देता हूँ, ये कंटेंट आपको पचेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट क्लास करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र, उसे ज्वाइन करें सभी के सभी। थैंक यू वेरी मच।